हमने सीखा। पहला, बहुपदों की भाग की प्रक्रिया अंकगणित के भाग की प्रक्रिया से थोड़ी अलग होती है। इसमें चर की घात का ध्यान रखना होता है। दूसरा, बहुपदों का भाग करने के लिए भाज्य एवं भाजक को उनकी घातों के अवरोही क्रम में लिखते हैं। तीसरा, बहुपदों का भाग करने के लिए दीर्घभाजन विधि का भी उपयोग करते हैं। चौथा, दीर्घभाजन विधि में भाग की प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए या शेषफल के चर की घात भाजक के चर की घात से कम ना हो जाए। पांचवा, बहुपदों के भाग की प्रक्रिया में भागफल एवं शेषफल भी बहुपद होते हैं। छठवा, यदि किसी बहुपद f ऑफ x को x ऋण a से भाग दिया जाए तो शेषफल f ऑफ a होता है। यह शेषफल प्रमेय है। सातवां, गुणनखंड प्रमेय। यदि x बराबर a बहुपद f ऑफ x का एक ऐसा शून्यक है जिसके लिए शेषफल f ऑफ a बराबर 0, तब x माइनस a f ऑफ x का एक गुणनखंड होता है। आठवां, द्विघाती बहुपदों के दो शून्यक होते हैं।